चलिए दोस्तों, तो पेश है एंटीक्यू टेप रिकॉर्डर लवर म्यूजियम की तरफ से ये आईबा कंपनी का बहुत ही शानदार, जानदार और धमाकेदार, जो कि दोस्तों थ्री बैंड रेडियो के साथ ये स्टीरियो बूम बॉक्स, जो कि दोस्तों जिसका मॉडल नंबर है आईबा TPR 920। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हमारे इस आईबा TPR 920 के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों चलिए देखते हैं, ये मॉडल बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब और लुक वाइज भी बहुत ही प्यारा मॉडल है दोस्तों। देखिए, इसे देखने के बाद जो है दोस्तों इससे नज़र नहीं हटती है, आंखें फटी की फटी रह जाती है जिसकी भी इस पर नज़र पड़ती है, वो मंत्रमुग्ध हो जाता है दोस्तों। देखिए कितना प्यारा लुक बनाया है कंपनी ने, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारा, बहुत ही आकर्षक, किसी भी एंगल से देख लो दोस्तों इसे देखकर आपका मन नहीं भरने वाला है। तो चलिए दोस्तों आज हम मिलते हैं हमारे इस आईबा TPR 920, जो कि दोस्तों थ्री बैंड रेडियो कैसेट रिकॉर्डर, और दोस्तों इसमें और भी बहुत सी खूबियां हैं दोस्तों, और भी बहुत सारी इसमें फीचर है। और सबसे पहले दोस्तों इसका जो कैरी हैंडल है वो भी बहुत प्यारा है, इसके दो एंटीने हैं दोस्तों, और इसमें दोस्तों दो लेवल मीटर भी लगाए हुए हैं कंपनी ने, काउंटर भी है और पावर एलईडी भी है, और जो रेडियो ट्विनर बनाया है दोस्तों, जो नंबरिंग प्लेट है वो भी बहुत ही शानदार है, बहुत ही सुंदर है, और जहां पर इसके स्पीकर लगे हैं दोस्तों ये भी बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया दिख रहा है, और जो जहां पर ये कैसेट का डिबाट है वो भी बहुत ही आकर्षक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों देखिए इसमें कंपनी ने एक्स्ट्रा स्पीकर के लिए दिया है, एक्स्ट्रा फोन्स के लिए दिया है। तो दोस्तों एक बार हम इस हमारे इस आईबा TPR 920 की जो सजावट है, जो जो इसमें कंपनी ने फीचर और फंक्शन दिए हैं एक बार उनको निहार लेते हैं, मेरे कहने का मतलब है उन्हें देख लेते हैं, उसके बाद दोस्तों इसे हम बजाकर भी देखेंगे, हम इसमें बाहर की आवाज़ भी रिकॉर्डिंग करके देखेंगे। और दोस्तों मैं इसमें जो कंपनी ने जो मोबाइल का फंक्शन दिया है इसमें मोबाइल से बजाने के लिए, मैं मोबाइल से भी आपको बजा कर दिखाऊँगा, और मोबाइल से आपको कैसेट ऑडियो कैसेट पर सॉन्ग रिकॉर्डिंग भी करके दिखाऊँगा, और जो हमारी जो बाहर की आवाज़ है वो भी आपको ऑडियो कैसेट पर रिकॉर्डिंग करके सुनाऊंगा। तो और भी जो जो इसमें फीचर है कंपनी ने जो जो खूबियाँ दी है हमारे इस आईबा TPR 920 में, तो मैं वो सब आपको विस्तार से बताने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो जब से मैंने इसको देखा है मेरी नज़र खुद चौंधिया गई है, और मैं कुछ खास इसके बारे में बयान नहीं कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों मैं सबसे पहले तो मैं कोशिश करूँगा कि आप इसे अच्छे से निहार ले, आप खुद ही आइडिया लगा लें कि ये कितना प्यारा है, ये कितना सुंदर है, ये कितना आकर्षक है और ये कितना काम का है। तो चलिए दोस्तों आपने अभी तक जो भी देखा उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो मैं थोड़ा सा
जो इससे छूट गए हैं वो भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए इस साइड भी कुछ कंपनी ने मेंशन किया हुआ है। देखिए ये शायद कुछ कंप्यूटराइज के लिए है और एक्स्ट्रा माइक के लिए है और एक्स्ट्रा स्पीकर, एक्स्ट्रा फ़ोन और एंटीना के लिए दोस्तों। तो बैक साइड से भी बहुत ही लाजवाब है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार। और दोस्तों ये बहुत ही टिकाऊ सेट है दोस्तों, जो कि दोस्तों ये हमारे पास 80 के दशक में आया था दोस्तों। आइबा कंपनी ने बनाया था इसे, जो कि मेड इन जापान है। थोड़ा सा कैमरा झिलमिल कर रहा है। मैं आपको कोशिश कर रहा था जो इसमें पीछे जो कंपनी ने लिखा है वो भी दिखाने की, जो कि शायद आप पढ़ पा रहे होंगे। अब तो चलिए पीछे से तो दोस्तों लगभग आपने देख ही लिया है। चलिए थोड़ा आगे घुमा लेता हूँ मैं इसे। तो दोस्तों अब थोड़ा क्लियर हो गया है दिखना। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारे इस पुश बैटरी टर्न लाइट। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे पास है टेप सिलेक्टर बैंड, जो कि यहाँ पर टेप पर है, ये ऊपर है और ये फोन्स पर है। तो दोस्तों ये देखिए रेडियो भी इसका चालू है, ये रेडियो का टोन था। तो दोस्तों ये कुछ रिकॉर्डिंग लेबल के लिए दिया गया है, ये ग्राफिक इक्वलाइजर वॉल्यूम, जो कि ऊपर नीचे होता है, स्लाइड होता है, ये स्लाइडिंग है, ये रिकॉर्डिंग वॉल्यूम लिखा हुआ है इसमें दोस्तों, ये रिकॉर्डिंग ही है। और इसके बाद है दोस्तों जो कि साउंड इफ़ेक्ट के लिए है, साउंड इफ़ेक्ट के लिए ही है ये। मैनुअल रिकॉर्ड। और तीसरे नंबर पे दोस्तों ये तो सब जानता ही है, मोनो स्टीरियो वाइड, जो कि साउंड को अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर किया जाता है, अलग अलग आवाज़ों में तब्दील किया जाता है, आवाज़ में बदलाव लाया जाता है इससे। और ये दोस्तों ये नॉर्मल टेप और ये क्रो टू, जो कि साउंड का ही एक साउंड बदलाव का ही दोस्तों एक ऑप्शन है। और इसके बाद आता है दोस्तों, देखिए आप कैसेट को पाउज कर सकते हैं, स्टॉप इजेक्ट के लिए है, कैसेट को भगाने के लिए है, और ये प्ले है, और इसके बाद कैसेट को रिवाइंड करने के लिए है, उसके बाद आप रिकॉर्डिंग के लिए है। और दोस्तों इसके बाद देखिए बेस ट्रबल आता है, और इसके बाद दोस्तों देखिए जो मेन वॉल्यूम है, मास्टर वॉल्यूम जिसे कहते हैं, देखिए ये भी दो भागों में है, लेफ़्ट राइट, क्योंकि दो स्पीकरों का सेट है ये। और दोस्तों ये कुछ साउंड का ही फंक्शन है, जो कि शायद मुझे भी उतना नहीं पता है। और दोस्तों ये पावर ऑन ऑफ का स्विच है ये। और दोस्तों जो इसका ये यहाँ पर जो है ये थ्री बैंड रेडियो सिलेक्टर है, ये देखिए इस तरह से ये सिलेक्ट करेगा रेडियो बैंड्स। देखिए ये देखिए दादू रेडियो के कौन कौन से बैंड है, जो कि आपको इस डायल पर दिख रहा होगा। तो सबसे ऊपर में देखिए SW2 है,
उससे नीचे SW1 है, मतलब शॉर्ट वेव 2, शॉर्ट वेव 2 1 और मीडियम वेव। तो जो ये जो दोस्तों जो मीडियम वेव है इसी में विविध भारती वगैरह पकड़ता है। ये जो हमारा जो इंडिया का जो चैनल है विविध भारती, आकाशवाणी और भी कई चैनल जो है इस बैंड पर पकड़ते हैं। और जो ये शॉर्ट वेव 1 और शॉर्ट वेव 2 है दोस्तों, ये इसमें सारे बाहर के चैनल, जैसे ज़्यादा करके बाहर के वर्ल्ड के चैनल पकड़ता है। तो चलिए दोस्तों, लगे हाथ थोड़ी इसकी साउंड की भी टेस्टिंग कर ली जाए। तो मेरे ख्याल से इसकी तारीफ तो बहुत हो गई है, चलो साउंड भी थोड़ा सुन लिया जाए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं प्ले का बटन दबा रहा हूँ, और दोस्तों प्ले दबाने के बाद जो है इसमें टेप चलाने के लिए इसे ऑन करना पड़ता है, इस स्विच को पुश करना पड़ता है। क्या है कि दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, मैं ज़्यादा देर तो इसे बजा नहीं पाऊँगा, क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ जाता है। तो दोस्तों थोड़ा हमें थोड़ा सा रुक के चलना होगा। तो ये इसका जो साउंड है दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही लाजवाब है साउंड भी, और साउंड के साथ देखिए मीटर भी अपना चलता है, और मीटर भी इसके साथ जो है देखिए, जैसे मैं ऑन करूँगा तो मीटर भी इसमें वर्क करता है। और मीटर तो चलता ही है दोस्तों, साथ में यहाँ पर एक LED लाइट भी डिप करती है, जो कि सॉन्ग के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए दोस्तों, हमारे इस आइवा TPR 920 की आज हम साउंड रिकॉर्डिंग भी देख लेते हैं, जो बाहर की आवाज़ जो रिकॉर्डिंग करते हैं हम जो जैसे अगर आपको कोई गाने का शौक है, या कोई डायलॉग बाजी का शौक है, या फिर वैसे ही आप कुछ आवाज़ें रिकॉर्ड करना चाहते हैं इस पे अपनी ऑडियो कैसेट पर, तो चलिए कैसी रिकॉर्डिंग करता है ये भी टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं ये सोनी की जो कैसेट है 90 मिनट वाली, ये इसमें इंसर्ट करने जा रहा हूँ। तो देखिए ये मैंने खोला, ये इसमें मैंने इंसर्ट किया बड़े प्यार से। तो चलिए अब हम इसके रिकॉर्डिंग दबा देते हैं। रिकॉर्डिंग के लिए दोस्तों ये देखिए, ये प्ले और ये रेड वाला, ये दोनों एक साथ दबाने हैं बड़े प्यार से, और उसके बाद हमें ये स्विच को पुश करना है। तो इसमें ये चल पड़ेगा, ये देखिए ये चल पड़ा है दोस्तों। देखिए आपको इसमें कैसेट घूमती हुई नज़र आ रही होगी, और देखिए, और इस पर एक LED भी संकेत कर रही है कि कैसेट चल रही है, और इसके मीटर भी चल पड़े हैं। तो जो जो मैं आपसे ये बातें कर रहा हूँ दोस्तों, इस कैसेट पर रिकॉर्ड होना चाहिए। तो इस वक्त ये रिकॉर्डिंग मोड पर है दोस्तों, इसमें रिकॉर्डिंग चल रही है। तो मैं चाहता हूँ आप एक बार इसकी सेटिंग भी देख लीजिए कि रिकॉर्डिंग के वक्त कौन सा बैंड कहाँ पर होता है, तो ये भी आप देख लो। देखिए इस तरह की सेटिंग होती है इसकी रिकॉर्डिंग के वक्त। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मेरे से गलती से ज़रा कैमरा बंद हो गया था, तो मैंने अभी दोबारा से ऑन किया है कैमरा। तो चलिए जो अभी अभी हमने जो बातें की है, जो रिकॉर्डिंग दबा के जो हमने बातें की है दोस्तों, तो वो बातें जो है अब हम इसमें सुनने वाले हैं, जो इसी
सेट में रिकॉर्डिंग की है हमने। तो वही कैसेट है दोस्तों, देख लीजिए एक बार, ये देखिए वही कैसेट है और वही सब बातें इसमें आपको सुनने को मिलेंगी। तो चलिए मैं इसे प्ले कर लेता हूँ, रिवाइंड भी मैंने कर लिया था इसे, क्योंकि कैमरा बंद हो गया था दोस्तों मेरा। तो देखिए कैसेट हमारी चल पड़ी है, अब इसमें कैसेट घूमती हुई नज़र आ रही होगी। और देखिए, और इस पर एक LED भी संकेत कर रही है कि कैसेट चल रही है, और इसके मीटर भी चल पड़े हैं। तो जो जो मैं आपसे ये बातें कर रहा हूँ दोस्तों, इस कैसेट पर रिकॉर्ड होना चाहिए। तो इस वक्त ये रिकॉर्डिंग मोड पर है दोस्तों, इसमें रिकॉर्डिंग चल रही। तो ये थी दोस्तों हमारे इस IBATPR 920 की रिकॉर्डिंग। आवाज़ बहुत ही क्लियर है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। तो रिकॉर्डिंग भी हमने करके देखा दोस्तों, और रिकॉर्डिंग की आवाज़ भी सुनी, जो कि बहुत अच्छा है दोस्तों, बहुत बढ़िया रिकॉर्डिंग है इसकी। और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी अच्छा लगा होगा जो इसमें रिकॉर्डिंग हुई, जो बातें हमने की, जो बातें हमने फिर से रिवाइंड करके सुनी, तो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम इसके आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला था, इसमें मैं मोबाइल के थ्रू इसमें सॉन्ग प्ले करूँगा, और उन मोबाइल में के सॉन्ग को हम ऑडियो कैसेट पर रिकॉर्डिंग भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों थोड़ी सी तैयारी हो जाए। तो तैयारी हमारी हो चुकी है, एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए मैंने मोबाइल में ऑक्स टू AB, ये देखिए कंपनी ने इधर दिया है ऑक्स टू AB के लिए पॉइंट, जो कि जहाँ से आप अपना मोबाइल कनेक्ट करके इसमें आप सॉन्ग भी सुन सकते हैं अपनी मनपसंद। और दोस्तों अगर आपको कोई गाना अपने ऑडियो कैसेट पर रिकॉर्डिंग करना है, तो वो भी आप इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग होती है दोस्तों, मैंने कई बार करके देखा है इसमें। तो चलिए अब मैं आपको सबसे पहले तो अपनी खाली कैसेट दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने रिवाइंड करके ऑलरेडी रखी हुई है, तो ये हमने कैसेट इंसर्ट करनी है, और हमने ये दो बटन एक साथ दबाने हैं, प्ले और रिकॉर्डिंग। तो ये हमने रिकॉर्डिंग दबा दी है दोस्तों, और इसका जो रिकॉर्डिंग मोड है ये यहाँ पर ये फ़ोन पर रखा जाता है। देखिए ये लाल जो स्विच दिख रहा है आपको, लाल कलर का जो बैंड स्विच दिख रहा है ये वाला, इसे आपने फ़ोन पे रखना है, तो तभी ये यहाँ से यहाँ कनेक्ट होता है, और यही यहाँ की जो आवाज़ है वो रिकॉर्डिंग हेड पर आती है। तो चलिए सब कुछ रेडी है, तो मैं यहाँ से इसे ऑन कर लेता हूँ पावर। तो ये देखिए कैसेट हमारी चल पड़ी है, तो बस हमें अब यहाँ मोबाइल से ऑन करना है सॉन्ग को, जो भी आप इसमें सुनना या रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं। तो मैंने पहले से ही एक सॉन्ग चूज़ करके रखा है, चल पड़ा। तो दोस्तों क्या है कि मैं ज़्यादा देर तो ये सॉन्ग आपको बजा कर सुना नहीं पाऊँगा, तो थोड़े में ही आपको समझना होगा कि इसकी रिकॉर्डिंग कैसी है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और कैसी कर रहा है आवाज़। तो थोड़ा सा दोस्तों बस इतना ही हम इतना ही बजा सकते हैं, क्योंकि कॉपीराइट का इशू ना आ जाए, इसलिए ज़्यादा लंबा हम बजा नहीं सकते दोस्तों। तो आप देख पा रहे होंगे कैसेट भी घूम रही है इसमें। तो चलिए एक बार थोड़ा सा मैं और थोड़ा सा बजा लेता हूँ। तो एक बार और ऑन कर लेता हूँ, देखिए, ताकि आपको पता लग जाए कि हमने यही सॉन्ग बजाया था। तो चलिए दोस्तों अब इसे हम स्टॉप कर लेते हैं और इसे रिवाइंड कर लेते हैं। तो रिवाइंड भी हो गया दोस्तों, तो चलिए मैं इसे टेप पर ले आता हूँ, ये टेप पर आ गया है। अब हम इसे प्ले करके सुनेंगे दोस्तों, जो अभी अभी हमने जो रिकॉर्डिंग की है। Thank you.
ये देखिए आपको सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि थोड़ी शुरू में कैसेट खाली थी तो अभी वही गाना बज रहा है जो हमने इसमें रिकॉर्डिंग की थी दोस्तों। देखिए ऑडियो कैसेट के थ्रू, मोबाइल मेरा ऑफ है तो ये देखिए मैं आपको तार भी निकाल के दिखा देता हूँ। ये देखिए बिल्कुल हुबहू बढ़िया रिकॉर्डिंग की है दोस्तों इसने। तो ये बाकी जो है ये पहले का है, जो पहले की रिकॉर्डिंग है वो सुन पा रहे आप। जो अभी हमने रिकॉर्डिंग की है ये मैं दोबारा से आपको रिवाइंड करके सुना देता हूँ। थोड़ा सा टाइम लगने वाला है क्योंकि शुरू में थोड़ी सी कैसेट खाली होती है दोस्तों, थोड़ी सी खाली है कैसेट। तो ये देखिए जो अभी हमने जो रिकॉर्डिंग की वो आवाज़ अब बज रही है, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, बहुत ही क्लियर साउंड है और साउंड भी बिल्कुल साउंड की फ्रिक्वेंसी भी काफ़ी हाई है और क्लियर भी बहुत है दोस्तों। तो ये थी दोस्तों हमारे इस IBATPR 920 की मोबाइल सॉन्ग रिकॉर्डिंग जो कि हमने इस ऑडियो कैसेट पर रिकॉर्डिंग की है। तो दोस्तों वैसे तो मेरा मन था कि आपको मैं लंबा सुनाऊँ गाना, लेकिन हमारी मजबूरी है, हम लंबा गाना नहीं बजा सकते क्योंकि हमें YouTube पर भी वीडियो डाउनलोड करना होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों मैं हमेशा प्रयास करता रहूँगा, जो भी मेरे पास नए नए सेट आते रहेंगे तो मैं आपको उनकी पूरी पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा और उनका फुल वीडियो उसके बारे में, वो कैसे काम करता है, उसमें क्या क्या फंक्शन है और कैसा उसका परफॉर्मेंस है, तो लगभग जो मेरी समझ में आते हैं वो सब मैं आपको जानकारी देने का प्रयास करता रहूँगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों अब ये जो चीज़ें जो ये जो हमारी ये एंटिक चीज़ें हैं अब ये हर जगह तो हमें अवेलेबल नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ गिने चुने ही सेट देश में बचे हुए हैं जो कि इनके जो कदरदान हैं या अपने टाइम की चीज़ों से जिनको बहुत ज़्यादा लगाव और प्यार है वही इन चीज़ों को संजो के रखते हैं और उन्हीं लोगों की बदौलत हम जैसे लोग इनको देख सुन पाते हैं। और ये भी पता लगता है कि देखिए पुराने टाइम में कैसी कैसी चीज़ें और इन चीज़ों की उत्पत्ति कैसे हुई थी, शुरुआत कैसे हुई थी, कैसे कैसे शुरुआत में ये मॉडल आते थे और किस तरह के इनमें फीचर हुआ करते थे। तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों इन चीज़ों को देखकर, एक हैरानी होती है उस ज़माने में ऐसी चीज़ों का आविष्कार किसी चमत्कार से कम नहीं था। तो मैं तो दोस्तों मेरे लिए तो ये चमत्कार से कम नहीं है और मुझे तो ये चीज़ें बहुत पसंद है दोस्तों, तो इसलिए मैं इनके इतना करीब हूँ और इनसे ही मैं जुड़ा हूँ, क्योंकि मेरे पास ये रिपेयर होने के लिए भी आते हैं, कुछ बिकने के लिए भी आते हैं और कुछ हमने कलेक्शन भी बनाया हुआ है जो कि हमारी सोच ये है कि आगे आने वाले टाइम पे हम इनका एक म्यूज़ियम का निर्माण करेंगे जो कि जिसे लोग आने वाली पीढ़ियां भी देख सके कि उनके पुराने टाइम पर कैसी कैसी चीज़ें उपलब्ध हुआ करती थी। तो दोस्तों आज हमने इसमें सबसे पहले हमने इसके बारे में कुछ जानकारी ली, जैसे कि ये लगभग 1980 का मॉडल है दोस्तों और मेड इन जापान है जो कि जापान टोक्यो में ही बना करते थे ये। बहुत आइबा कंपनी बहुत बड़ा ब्रांड है दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा ब्रांड नहीं है, वर्ल्ड फेमस ब्रांड है, बहुत अच्छी चीज़ें बनाती है, बहुत टिकाऊ चीज़ें आप देख ही रहे हैं इसका टिकाऊपना, जो कि आज 40 साल से ऊपर हो गए इस सेट को बने हुए लेकिन आज भी ये अपनी उतनी ही मजबूती में टिका हुआ है और बज भी रहा है, सब कुछ इसका फंक्शन सब कुछ काम कर रहा है दोस्तों। तो बहुत अच्छा लग रहा है इसको देखकर, बहुत गर्व हो रहा है दोस्तों कि पुराने टाइम में ऐसी चीज़ें बना करती थी। तो दोस्तों मेरा मकसद इतना ही है कि अब ये हर कोई तो इन्हें खरीद नहीं सकता दोस्तों क्योंकि ये मिलते नहीं है,
तो हम देख तो सकते हैं दोस्तों, इसीलिए हमने ये कोशिश किया है कि हम इन चीज़ों की वीडियो बनाकर हम रख लें या फिर हम YouTube वगैरह में लोड कर दें, तो आने वाली पीढ़ी भी और जिनको इनको देखने सुनने का शौक है वो इन्हें भली भांति से देख सके दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो मेरा प्रयास था कि शायद मैं आप लोगों का कुछ ज्ञान और मनोरंजन बढ़ा सकूं। तो अगर ऐसा नहीं हो सका दोस्तों, अगर मैं आपकी उम्मीद पर खरा नहीं उतर पा रहा हूं, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। लेकिन मुझे आशा है कि मैं इसी तरह से काम करते करते एक दिन ज़रूर निपुण हो जाऊँगा। तो दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा आपको ये मेरा TPR आईवा TPR 920 कैसा लगा, आपको लुक वाइज कैसा लगा, इसका परफॉर्मेंस कैसा लगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। और हो सके तो दोस्तों मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी करें दोस्तों। अगर आप ऐसा करेंगे तभी मुझे जो है और ज़्यादा कुछ नया करने की जो है प्रेरणा मिलेगी, तो मैं आगे आप लोगों के लिए करता रहूँगा दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप में से किसी दोस्त को हमारा ये आईवा TPR 920 अगर पसंद है तो आप इसे ख़रीद भी सकते हैं, और ये मेरे पास अभी अवेलेबल है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों हमारे पास से हर कोई तो नहीं ख़रीद पाता, क्योंकि हम उतना हमारे रेट थोड़े से हाई होते हैं, क्योंकि हम इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं दोस्तों। इन्हें हम पूरी अंदर बाहर हर तरह से हम इनका जो है रेस्टोरेशन करते हैं, जहाँ तक हमसे हो सकता है, जो हमसे बन पड़ता है वो हम कर लेते हैं। और लगभग जो भी चीज़ आप हमसे लेंगे तो वो काफ़ी समय तक के लिए टिकाऊ होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।